तुझे कोई शर्म आती है कि नहीं? एक तो तुम पिछला पैसा अभी तक नहीं चुकाई, ऊपर से इतनी रात को तुम अनाज उधार मांगने के लिए चली आई। बच्चे भूखे हैं सेठ जी। तो ये बात तुम्हारे पति को चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। उन्होंने चोरी नहीं की और उनके बरी होते ही हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। सारे पैसे चुका देंगे? एक काम करो, तुम अपने गहने जो है ना बेच दो और फिर अनाज लेकर जाओ। गहने? हमारे पास गहने कहाँ सेठ जी? ये 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 है ना गर्दन में, बस इसे गिरवी रख दो। ये तो सुहाग की निशानी है। सुहाग की निशानी है? सुहाग की? अरे सुहाग वो होता है जिसे अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी समझे। ये नहीं कि शादी कर लिए, बच्चे कर लिए और खुद को चोरी के इल्जाम में पुलिस से कैद हो गए। वो चोर नहीं है, चोर नहीं है वो, उन्होंने चोरी नहीं की। चोर नहीं है? कमाल है। चोर नहीं है? चोरी का माल तुम्हारे पति के पास बरामद हुआ और फिर भी तुम कह रही हो कि बेकसूर है। वाह। जाओ फिर, जाओ। भिक्षाम देहि। प्रणाम साई। प्रणाम साई। आज इस समय भिक्षा के लिए? क्योंकि इस भिक्षा की जरूरत ही अभी बड़ी है। अभी लाई। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। राम जी भला करें। बीनू, ए बीनू, क्या क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? बाबा, बाबा आई आएंगे आएंगे। हाँ बीनू के बाबा आएंगे। बाबा कब कब का है बाबा? बीनू के बाबा दवाई लेने गए हैं ना। हाँ बीनू के लिए दवाई लेने गए हैं। बीनू के बाबा दवाई लेकर आएंगे, बीनू को दवाई देंगे, बीनू दवाई लेगा और फिर बीनू ठीक हो जाएगा ना। Oh,
बंदे हैं हम सारे उसके, बंदे हैं हम सारे उसके, सबका मालिक एक, श्रद्धा और सबूरी रख कर काम किए जाने एक। कोई भी राह कोई भी सफर, कोई भी राह कोई भी सफर, उस तक पहुंचे हर एक डगर, राही को दिखाए राह गुजर, बस एक नजर तेरी एक नजर, रहम नजर साई, रहम नजर, रहम नजर साई, रहम नजर। हाय जय हो, हो जा आएंगे मीनू, जल्दी आ जाएंगे, चल आ जाएंगे, चल आ जाएंगे। हाँ बेटा, बीनू साई ही हमारी आई है, माउली है हमारी। Thank you.
चाइल्ड वो खाया क्या? खाना बन रहा है, हाँ थोड़ा रुक जा। आई, बाबा आएंगे तो बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे ना, फिर दादा का इलाज होगा, दादा ठीक हो जाएंगे और फिर हमें बहुत सारे पकवान खाने को मिलेंगे ना। हाँ बेटा, इन्हीं पैसों के इंतजाम के लिए तो तुम्हारे बाबा शिरडी गए थे, साईं ने उन्हें गहने भी दिए थे। पता नहीं उन्हीं गहनों की चोरी का इल्जाम कैसे लग गया इन पे। साईनाथ, मेरी गृहस्थी की डोर अब आपके हाथ में है, आप पर हमेशा आस्था रखी है मैंने, अब आप ही बताइए मैं बच्चों को क्या मुंह दिखाऊं, कैसे समझाऊं कि मेरे पास उन्हें देने के लिए खाना ही नहीं है। बच्चों को भूख से तड़पते कैसे देखूं? जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगा, भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए, ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। आप अपने हर भक्त की सुनते हैं,
फिर वो आपसे चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, आप उनसे दूर नहीं। शिरडी तो आ गए साहब, लेकिन ये साई रहते कहाँ हैं? ठीक से तो मुझे भी नहीं पता, किसी गांव वाले से पूछना पड़ेगा। सुना है शिरडी में बड़ा नाम है साई बाबा का, उनका पता कोई भी बता देगा। किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है गणपत जी। केवल पता ही नहीं, उसके बारे में मुझे जो भी कुछ पता है मैं सब आपको बताऊंगा हवालदार जी। आपका परिचय? शिरडी और पास के दो गांव का मुखिया हूं मैं, लोग मुझे कुलकर्णी सरकार कहते हैं। ये समझ लीजिए कि न्याय की परिभाषा है कुलकर्णी सरकार। शिरडी मेरी अनुमति मेरे दिशा निर्देशन में चलती है। यहां जो भी कुछ सही होता है वो कुलकर्णी सरकार के कारण होता है, और जो भी गलत। गलत की जिम्मेदारी भी तो मुखिया की होती है ना कुलकर्णी सरकार। हाँ हाँ, उसी को तो मैं सही करने के लिए यहां पहुंचा हूं। मैं समझा नहीं। हरिओम हरिओम। मैं तब से शिरडी में हूं हवालदार जी, जब साई इतना सा था, इतना सा, जब वो शिरडी में आया था, पता नहीं कहां से आया था, ना कोई आगे ना कोई पीछे। उसी वक्त मैं समझ गया था, हाँ मुझे संदेह हो गया था। उसके बारे में मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो गांव में आपको कोई नहीं बता पाएगा। फकीर, आज तो अपना पूरिया बिस्तर बांध ले, इस बार मुझसे कोई चूक नहीं होगी। पकड़ो नंदू। आज भोला नहीं आया खेलने? उसकी आई की तबीयत बहुत खराब है। रेणु की तबीयत खराब है? हाँ, इसीलिए वो घर पे अपनी माँ की देखभाल कर रहा है। जब बच्चा अपनी आई की देखभाल करे तो उसकी मदद मालिक भी करता है, सब अच्छा होगा। साई को अभी दूसरों की ही चिंता है। ऐसे निस्वार्थ व्यक्ति को कोई किसी तरह से भी हानि पहुंचाए ये सोच के ही तकलीफ होती है। मैं सबको समझा रहा हूं कि साई को कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी उनके लिए चिंता करने से अपने आप को मैं रोक नहीं पा रहा हूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कुलकर्णी सरकार, यदि साईं इतने ही बड़े धोखेबाज हैं तो गांव में उनका इतना नाम क्यों है? हरिओम हरिओम। गणपत जी, जब लोग अशिक्षित हो, अनपढ़ हो, गवार हो, तो अंधविश्वास का फैलना कितना सरल हो जाता है आप तो जानते हैं।
उसके हाथ की सफाई को लोग चमत्कार कहते हैं। चमत्कार बताइए, खुद को फकीर कहता है लेकिन उसके जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं है। आसपास के धनिक लोगों को भी उसने अपने चंगुल में फंसाया हुआ है। वो प्रयास में लगा रहता है कि लोगों के पारिवारिक जीवन में उसका हस्तक्षेप हो। आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो उसे तंग आकर आसपास के गांव में जाकर बस गए। आप कहें तो साक्षी के रूप में मैं आपके सामने उन्हें प्रस्तुत कर सकता हूं। बीते कई सालों में क्या क्या नहीं हुआ है शिरडी में। कुछ लोग कहते हैं साईं ने उन्हें खजाने दिलवाए हैं। क्या आप एक फकीर से ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं? यही नहीं, चोर डाकुओं को भी उसने संरक्षण दिया है। कुछ लोग तो उसे अपना गुरु मानते हैं। कल्याण कारागृह है ना, वहां कालू भिल नाम का एक कुख्यात डाकू है। वो खुद को साई का चेला मानता है। अब बताइए क्या? कनपत जी, मैं जानता हूं एक इंसान की बात पर विश्वास करके कानून किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता, इसलिए आप मेरे साथ चलिए, गांव वालों से पूछ लीजिए। आइए। हरिया, तुम्हें उस साई के पास नहीं जाना चाहिए था। देखो कितनी मुश्किल में आ गए थे तुम। ए, सुनो जी, तुम लोग साई के बारे में बात कर रहे थे जी। हरिया, तुम कल भी आए थे ना मेरे पास साई की शिकायत लेके। ये हवालदार गणपत जी हैं, तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करेंगे। इन्हें बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। साहिब, उस साई ने हमारे बीमार बच्चे को ठीक करने के लिए उदी दी थी। उदी? उदी एक प्रकार का भस्म है। वो साई हर किसी को देता फिरता है वो भस्म, और ये कहता है कि ये उदी लगाने से हर कोई रोग ठीक हो जाएगा। हाँ, आगे बताओ। मैंने अपने बच्चे को उदी दी, उदी लेते ही उसकी उल्टी सांसें चलने लगी। समझ लीजिए उसकी अंत्येष्टि कर रहा होता मैं अगर कुलकर्णी सरकार ने समय पर औषधि ना दी होती। साहेब, ये तो एक है और ऐसे बहुत सारे मिलेंगे साई के पाखंड की पुष्टि करने वाले। आइए पूछते हैं। चिता इंसान को मरने के बाद भस्म बनाती है, लेकिन चिंता जीते जी। मगर साईं, भविष्य में जो इंसान के बस में उसका वर्तमान, उसका आज, उसका ये क्षण है। जो बीत गया उस पे कोई वश नहीं, जो आने वाला है उस पे कोई नियंत्रण नहीं। अपने वर्तमान को जितना उपयोगी बना सकते हो, जितना संवार सकते हो, वही जीवन की सार्थकता है। तो फिर इस वर्तमान को चिंताओं से क्यों भरना?
चिंता से कभी किसी का कोई उधार हुआ है? तात्या, श्रद्धा और सबूरी। सब समझ गई हो ना कि क्या करना है? मैं फिर से दोहरा रहा हूं, तुम सब लोग शिरडीवासी हो और साई से परेशान हो। जिसे जिसे जो कहानी दी है उसे अच्छे से याद कर लो और ध्यान रहे, तुम में से किसी से भी किसी भी प्रकार की कोई भूल नहीं होनी चाहिए, समझे पंता जी? तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि चोरी साई ने ही की। ये लो नंदू, ये लो रागिनी, मुझे भी तो दो। ये लो। मटका कैसे टूट गया? कहीं ये किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं? झूठों से भरी इस दुनिया में सच्चाई की जीत होगी तो कैसे साईं? जो सच से सशक्त हो उसे झूठ से हारने का कभी भय नहीं होता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि इंसान सच के साथ कब तक झूठ का सामना कर पाता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।